वेलकम टू आर्यन मार्शल आर्ट। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कैसे आप लाठी चलाना सीख सकते हैं, उसके कुछ बेसिक मूव्स हैं। ऑलरेडी मैंने अपने कुछ ट्यूटोरियल्स में आपको सिखाया है कि कैसे आप लाठी को मूव करेंगे, कैसे आप स्पिनिंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन कभी भी हम स्पिनिंग स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले आपको अपनी रिस्ट को प्रॉपर फ्री करना होता है, उसकी कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज हैं तो आपको वो मैं आज बता रहा हूँ। उसके बाद आपको लाठी के कुछ बेसिक स्टेप्स जो आप बिगनिंग में स्टार्ट करेंगे, तो इसमें आपको फर्स्ट पहले अपने रिस्ट को स्ट्रेट करना है और प्रॉपर इनसाइड अपने फोल्ड करना है। दोनों हाथों को आपने इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपने अपने दोनों रिस्ट को रोटेशन इनटू आउटसाइड आउट टू इनसाइड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से आप अपने रिस्ट को फ्री कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अप डाउन अप डाउन अप डाउन लेफ्ट राइट इस तरीके से, तो इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करिए। इसमें आप प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं, कुछ डंबल्स यूज़ कर सकते हैं, कुछ लाइट वेट, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप अपने लाइट वेट से इनको फ्री कर सकते हैं। देखिए, जैसे आप देख रहे हैं मेरे हाथ में दो डंबल्स हैं, इनको आप यूज़ करेंगे तो आपके फोर आर्म्स में प्रॉपर स्ट्रेंथ आएगी तो और आपकी रिस्ट प्रॉपर फ्री हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लाठी चलाने से पहले अपनी रिस्ट को फ्री कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लाठी के कुछ बेसिक मूव्स करेंगे वो देखिए। जब भी आप लाठी चलाना सीखें तो उसके पहले आपको अपने टीचर्स को, जिन्होंने मार्शल आर्ट में कभी भी कोई योगदान दिया है, तो आप सीनियर्स को विश करेंगे। उसमें विश करने का एक तरीका होता है जो कि मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, पहले लाठी को आपने इस तरीके से फोल्ड करना है। देखिए कैसे, सिंपल लाठी को रखना है और इन साइड से आपने हैंड को फोल्ड कर लेना है, और जो आपका लास्ट पोर्शन है लाठी का, नीचे वाला पोर्शन है, वो आपके नी के बराबर रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपको लाठी को स्ट्रेट करना है, यहाँ से पकड़ना है और सामने लाते हुए यहाँ से जंप करना है। ये प्रॉपर तरीका है। जब स्टार्टिंग करते हैं तो आपको ऊपर वाला पोर्शन जो वन साइडेड है आपका, वो 80% रहेगा, 20% आपका नीचे रहेगा। ठीक है, इसमें इसको सामने की तरफ पकड़ना है। फोकस आपको क्या करना है कि आपकी जो लाठी का अपर पार्ट है उस पर फोकस करना है, जो 80% है। इसमें जैसे आपने देखा होगा कई बार नाव चलाते हो पीछे की तरफ पुश करते हैं, तो इसी तरीके से आपको इधर लेफ्ट देन राइट, ये बेसिक स्टेप है। इसमें आपको लेफ्ट राइट इसकी स्पीड में भी प्रैक्टिस करनी है। इसको जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी कलाइयों को यूज करते हुए, इसको स्पीड में जितना, ठीक है, इस तरीके से इसको इतना स्पीड में करिए कि आपकी कलाइयां फ्री हो जाए और आपकी लाठी हवा को काटते हुए इतनी तेज चले कि उसमें से आवाज आनी शुरू हो जाए। मार्शल आर्ट का मतलब ही यही होता है कि आप स्पीड, आपकी इतनी स्पीड होनी चाहिए कि आपके अपोनेंट को पता भी ना चले कि आप क्या मूव कर रहे हैं। उसके बाद बेसिक स्टेप, सेकंड स्टेप जो आता है वो आता है पीछे की तरफ मूव करना। कैसे, आप पीछे की तरफ टर्न लेते हुए लाठी को चलाएंगे, तो इसमें आपने पहले आपने फ्रंट, देखिए इसको लेफ्ट राइट इसी को स्पीड में करना है। इसके बाद इस प्रैक्टिस होने के बाद आपको लेफ्ट देन राइट, इसके बाद आपने पीछे टर्न लेना है यहाँ से, जैसे लेफ्टी हो गया आप क्रिकेट शॉट मारते हैं तो वन, फिर यहाँ से राइट साइड टू, फिर अगेन बैक साइड। ठीक है, यहाँ से आपको नाव चलाते हैं लेफ्ट राइट, उसके बाद बैटबॉल में जैसे क्रिकेट शॉट मारते हैं लेफ्ट वन देन टू, इस तरीके से आपने शॉट यूज करना है। देखिए कैसे, इसको स्लो मोशन में आप देखिए कितना अच्छे से आप कर सकते हैं। वन टू थ्री फोर, अगेन फॉरवर्ड, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपका लेफ्ट साइड, देखिए फर्स्ट स्टेप लेफ्ट साइड, सेकंड स्टेप राइट साइड, थर्ड स्टेप क्रिकेट शॉट लेफ्ट साइड, फोर्थ स्टेप क्रिकेट शॉट राइट साइड, उसके बाद आपको अगेन फॉरवर्ड आना है। इसी कॉन्सेप्ट को आप दोनों साइड यूज कर सकते हैं, अपने राइट साइड में भी यूज कर सकते हैं, अपने लेफ्ट साइड में। अब देखिए कैसे आप अपने लेफ्ट साइड में भी यूज करेंगे, कैसे राइट साइड में भी, आगे चलते हुए और पीछे हटते हुए, इसको लेफ्ट राइट, ये देखिए पूरा, अब पीछे हटते हुए कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी को आगे चलते हुए इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए, जितना आप स्पीड में करेंगे उतना आपका अच्छा होगा कलाइयों के साथ। अब इसको जब आपको इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो आपने क्या करना है, इसको फुल स्पीड से, इतनी स्पीड से आप चला सकते हैं हवा को काटते हुए, इतनी स्पीड से चलाइए आपके सामने कोई भी अपोनेंट है आपकी स्पीड देख के ही घबरा जाए।
तो इसको बेसिक देखिए आप कैसे चला सकते हैं फुल स्पीड पे। इस तरीके से जितना आप स्पीड में चलाएंगे आपकी उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, जितनी कलाइयां आपकी फ्री होंगी उतनी लाठी आपको बहुत अच्छे से आएगी। इसकी आप प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहिए, अपने घर पे भी प्रैक्टिस करिए और हमारे आर्यन मार्शल आर्ट टेम्पल पे आके आप इसकी करंट सेशंस आपके जो लाइव सेशंस है आप वो ले सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को आप फॉलो करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आर्यन मार्शल आर्ट।